आ गई, मैं आ गई। मम्मा पापा देखो देखो, मेरे को कितने सारे अवार्ड्स मिले। आज तो कॉलेज के फंक्शन में मैं ही छा गई थी। देखो क्या मजे आ गए। तुझे अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी, दो दो अवार्ड मिले। आखिर बेटी किसकी है? मैंने ही तुझे ना बताया था बचपन से कि ऐसे पढ़, ऐसे आगे बढ़। बेटी तो मेरी है ना, इतने तो पुरस्कार मिलेंगे। अभी तो देखना तुझे क्या क्या मिलता है। हाँ सो तो है ही, मैं तो गई ही आप लोगों के ऊपर हूँ, तभी तो मुझे इतने सारे प्राइजेस मिलते हैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से। हाँ ऐसे ही मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स रखना, मेरा तो आज दिन बन गया माँ। जी घर आ गई, आज बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड मिला है मुझे कंपनी में। ये तो मिलना ही था। भेजता कौन है तुझे ऑफिस रोज? मैं भेजती हूँ। तेरे पीछे से घर कौन संभालता है? ये कपड़े कौन समेटता है? मैं समेटती हूँ। सारा काम तो मैं करती हूँ पीछे से, तभी तो तू ऑफिस जाके ढंग का काम कर पाती है। ये तो मिलना ही था। अब ये भी ना मिले तो क्या मिले। चलो बधाई हो, बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा घर संभाल लो आगे। हैं बस शुरू हो गई ये भी। मेहनत मैं करूं और सारा क्रेडिट थैंक ये यू। लेके जाएंगी। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि मम्मी पापा ना मेरे ऊपर प्राउड हो जाएंगे। बिल्कुल मम्मी वाली तरह, जैसे मम्मी ने पिछली बार टिप्स दिए थे ना, ऐसा खाना बनाऊंगी। हाँ इतना प्यार करते हैं मुझे, आज अपने प्यार से बना हुआ खाना खिलाऊंगी उनको। रुक जा, टेस्ट करके बताती हूँ। खाना बनाना सीख रही है, अच्छी बात है। मेरे हिसाब से मसाले डाल रही है ना, जैसे मैंने सिखाया था, तभी इतना स्वाद खाना बन रहा है। अच्छी बात है, इसको ना थोड़ा सा और पका लियो। अगली बार है ना, इसके अंदर वो जो नीचे लगा हुआ फ्लेवर आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। तुझे मेरे ख्याल से 3 की जगह 4 सीटियां लगवा दी, ठीक है? अगली बार से इतना ध्यान रखियो बेटा, मेरी नाक नहीं कटानी है। हाँ अच्छे से खाना बनाना सीख। ओहो ये मैंने कितना मसाला डाला है, कितना नहीं डाला मुझे तो याद ही नहीं है यार। फिर ये बाद में ना बाहर बैठ के सारा टाइम चीं 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 करेंगे कि इतना मसाला मैंने जो सिखाया था नहीं सिखाया था। भगवान कितनी सीटियां लगवानी थी, 4 की 5 याद ही नहीं आता। बोलने में इतना इतना ज्यादा मुझे दिमाग खराब कर देती है ना बोल बोल के, कि कुछ याद ही नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। अपने हिसाब से खाना भी नहीं बना सकते इस घर में। अच्छा बनाया तूने, धीरे धीरे वाली सब्जी अच्छी बनाने लगी है तू। वैसे ही बनाया ना जैसे मैंने बताया था, तभी तो अच्छी बन रही है। पहले जहां से सीख के आई थी ना, वैसी वाली मत बनाया कर यहाँ। हमें नहीं पसंद आती वो, थोड़ी सी नीची लगी हुई सब्जी अच्छी लगती है हमें तो। हाँ थोड़ी कुरकुरारी सी। 5 सीटियां मरवाई थी कि नहीं, या 4 पे ही बंद कर दिया था? मुझे लग रहा था मैं 4 पे ही बंद कर दिया था आज। लेकिन अच्छी बनी है, ठीक है, मेरे हिसाब से बनाया कर, तभी से ही बनेगी। हाँ तुझे तमीज नहीं अपना कमरा कैसे रखते हैं? उस मिसेस शर्मा को ऊपर लेके गई मैं तेरे कमरे का दिखाने के लिए, पूरे कमरे में खलेरा ही खलेरा। अक्कल है कि नहीं कि घर कैसे रखते हैं? इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक तेरे को घर रखना नहीं आया है? कैसे बातें करती है कई बार, बिल्कुल मेरी नाक ही कटा दी तूने तो आज मिसेस शर्मा के सामने। मुझे बहुत गलत लगा, बहुत गलत बात है। बिल्कुल ऐसे दिखाई कि जैसे बस पढ़ी पढ़ी है और कुछ काम ही नहीं किया इसने जैसे जिंदगी भर। मुझे नहीं पसंद आई ये बात। अच्छा ना मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, बार बार ना नहीं कर पाई यार रूम क्लीन। सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी, ठीक है? बस अभी बस करो ना प्लीज, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी है बहू, आज मेरी 2-3 सहेलियां आ गई पीछे से तेरे कमरे के पास से निकली। हो इतना गंदा कमरा रखती है तू, हैं? कभी साफ कर लिया कर, कभी थोड़े अपने ये खिले हुए बिखरे हुए इधर उधर कपड़े जो हैं उनको ढंग से तय करके बेटा, और कुछ नहीं तो साइड में ही रख दिया कर तू, हैं? थोड़ी
थोड़ी सी तू अक्कल रख, ऐसे लगता है कि बस ये तो ऑफिस जाती है, घर आती है महारानी और कुछ नहीं करती। हाँ थोड़ी सी तो अक्कल रख ले कि कैसे घर को संभालना है, मैं कब तक करती रहूंगी ये सारा काम तेरे लिए। मेरी तो नाक ही कटा दी भाई मेरी सहेलियों के सामने। हे भगवान, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही है अब ये औरत। जी मम्मी जी, आगे से ध्यान दूंगी, लेकिन मैं भी बाहर काम करके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर मटर गश्ती करके आ रही हूँ मैं भी काम करके आती हूँ, थक जाती हूँ इसीलिए नहीं कर पाती कई बार कमरा। मुझे क्या पता था कि आज आपकी फ्रेंड्स आने वाली है, नहीं तो मैं करके जाती। और अब एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं इससे माफी मांगू। गुड मॉर्निंग क्वींस, अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल माय क्वींस। क्या कर रही हो भाई और कैसा लगा ये नाटकीय रूपांतरण आज का? क्या सीखते हैं हम इस नाटकीय रूपांतरण से? क्वींस, तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमेशा हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करती है? इंटेंशन यानी कि हमारा अंदरूनी इरादा क्या है। इंटेंशन भी खैर दो किस्म की होती है। एक इंटेंशन होती है जो हमें दिखाई पड़ती है या जो हम सोचते हैं कि हम इसी इंटेंशन से ये काम किए जा रहे हैं, और दूसरी इंटेंशन होती है जो काफी डीप सीटेड होती है और लंबे टाइम तक एक जैसे अनुभव सुनने, देखने या उन्हें अपने ऊपर महसूस करने के कारण वो डीप सीटेड इंटेंशन बनती है। अब हर बार हमारे जीवन के क्या अनुभव रहेंगे, हर रोज की हमारी नई कहानी क्या होगी? कहानी ही तो होते हैं हम, नाटकीय पात्र ही तो हैं तुम और हम, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है और ये एक ऊर्जा इस समय मेरा रूप भी धर के बैठी है, इस कैमरा का रूप भी धर के बैठी है और मेरी तमाम क्वींस के रूप में भी यही एक ऊर्जा अपना काम करे जा रही है लगातार। सही, इसीलिए ये ऊर्जा कभी किसी के रूप में आती है, कभी किसी के रूप में आती है, कभी एक नया रूप जन्म लेता है तो दूसरा पुराना रूप अपने मरण की ओर प्रस्थान करता है। यही एक ऊर्जा ही तो है क्वींस। और अगर ये ऊर्जा अलग अलग रूप धारण करती रहती है, इसका मतलब ये रूप अस्थाई है। अस्थाई ही है ना हम लोग, टेम्प्ररी, या कह लो एक तरह से कभी भी किसी को भी जाना पड़ सकता है अपने ओरिजिनल फॉर्मलेस फॉर्म के अंदर। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो रूप है, ये जो शरीर है, ये जो हमें पांच सेंसेस वाला ये पूरा का पूरा एक फिजिकल बॉडी दिख रही है, ये एक नाटकीय पात्र से ऊपर कुछ नहीं। जैसे कुछ टाइम पहले अभी इस वीडियो में ही तुमने कुछ नाटकीय पात्र देखे और अभी उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आज हमारा एग्जिस्टेंस है, कल हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। रहेगी तो केवल एक ऊर्जा जिसने हमें रूप दिया और फिर दोबारा से एक नया रूप धारण करने के लिए तैयार हो गई। तो इसीलिए हम लोग रोज एक नई कहानी लिख सकते हैं अपने इस ऊर्जा के नए रूप, नए अवतार के साथ। तुम्हारी कहानी बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती है क्वींस कि हमारी इंटेंशन क्या चल रही है। जैसे इस नाटकीय रूपांतरण में मैंने दो किस्म की इंटेंशंस दिखाई और अदरवाइज भी हमारी लाइफ में मेजरली यानी कि महत्वपूर्ण तौर से दो किस्म की ही इंटेंशंस या इरादे होते हैं जिस पर हमारी जीवन चलता है, जीवन क्रिया चलती है। एक होता है प्यार का इरादा, प्यार बांटने का, महसूस करने का और हर तरफ प्यार देखने का इरादा, और एक होता है डर। यही दोनों इंटेंशंस या यही दोनों मेजर भाव हैं जिसके ऊपर हमारा ये ह्यूमन रूप हर रोज अपना एक नाटकीय रूपांतरण तैयार करता है। कई बार हमें बाहरी तौर पर लगता है कि हम लोग प्यार देना और लेना चाहते हैं, लेकिन तमाम सालों तक कुछ सुनने की वजह से, देखने की वजह से या अनुभव करने की वजह से हमारा अंदरूनी इरादा यानी कि हमारी एक्चुअल इंटेंशन हमारी कॉन्शियस इंटेंशन के बिल्कुल विपरीत होती है, यानी कि हम डर पे जी रहे होते हैं। जैसे कि इसी नाटक के रूपांतरण में हमने देखा, शादी से पहले हम में से मैक्सिमम क्वींस प्यार के इरादे से जीती हैं। हमें कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होता है कि हमारे माँ बाप चाहे कितना ही हमें डांट ले, चाहे कितना ही क्रेडिट ले हमारी बातों का, लेकिन वो ये चीज डिजर्व करते हैं। उन्होंने ही हमें बनाया है, उन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग अवार्ड्स लेके आ पाए या उनका नाम रोशन कर पाए। अगर वो हमें
डांट फटकार के सही, कभी प्यार से सही कोई नई नई बातें बताते थे, तो हम लोग उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे माँ बाप हैं, ये लोग तो हमेशा मुझे प्यार से ही रखेंगे, चाहे इनके फेस पर इस टाइम गुस्सा हो लेकिन अंदर इनके मन में मेरे लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ है। और हमारा इरादा हमेशा प्यार का रहता है, बांटने का, महसूस करने का, अनुभव करने का। लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं हमारे इरादे बदलने लगते हैं, हमारा इरादा अब प्यार की जगह डर में परिवर्तित होने लगता है। इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्वींस, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही अनकॉन्शियस लाइफ जीते चले जाते हैं, रोबोटिक लाइफ जो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होती है लोगों के परसेप्शन से, कंप्लीटली कंट्रोल्ड होती है हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट में किस तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, वही हमें इन्फ्लुएंस करती हैं आगे की लाइफ के लिए। ज्यादातर इंडियन वेडिंग्स में या इंडियन फैमिलीज में, हमारे भारतीय परिवारों में ये देखा गया है कि जैसे ही लड़की शादी के लिए तैयार होने लगती है, या तो उसकी सहेलियां या उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार और कई बार तो उनकी खुद की अपनी माँ, उन्हें ये समझाने में लग जाते हैं कि कैसे शादी के बाद जीवन जो है वो इतना ज्यादा ट्विस्टेड और पेचीदा हो जाएगा, इसलिए तुमने ये नहीं करना है, तुमने खुल के ये नहीं बोलना है, तुमने खुल के ऐसे हंसना नहीं है, तुमने खुल के बातें नहीं करनी है, सास हमेशा सास होती है, कभी माँ नहीं बन सकती, सासें बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करती हैं, बहुत ज्यादा ताने मारती हैं। और वहीं कहीं उस लड़की का जिस घर में जाना होने वाला होता है वहीं पर उसकी सास के साथ भी यही सब कुछ चल रहा होता है, चाहे वो उम्र में उससे काफी बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी हम सभी बिना उम्र के तकाजे के हमेशा अपने समाज में चल रही विचारधाराओं से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अपने जीवन को उन्हीं विचारधाराओं के हिसाब से चलाने में विश्वास रखते हैं। उस तरफ सास को बोला जाता है कि अरे आजकल की नई लड़कियां तो किसी का ना तो रिस्पेक्ट करती हैं, ना घर का काम करती हैं, बस इनसे तो बैठ कर मेकअप करवा लो, थोड़े बाद थोड़ी देर के लिए जाएंगी ऑफिस, वहां पे थोड़ा सा गिटपिट करेंगी और अपना पैसा कमा के तुम्हारे मुंह पे मारेंगी, और ना ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगी, ना ही परिवार का कुछ ध्यान देंगी, ना ही कल्चरली बाउंड होती हैं, भाई भगवान तुम्हें बचाए ऐसी बहुओं से। इसीलिए क्वींस, बहुत सारा पेचीदा सिस्टम चल रहा होता है जो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे अंदरूनी इरादे, अंदरूनी इंटेंशन को बिल्डअप करता है। इसीलिए मेरी मोस्ट ऑफ द क्वींस शादी के बाद परेशानी का सामना करती हैं, क्योंकि उनकी अंदरूनी इंटेंशन शादी से कुछ टाइम पहले ही बन चुकी होती है कि शादी के बाद उनका जीवन डर के ऊपर चलने वाला है। कभी इस बात का डर कि सास कोई ताना ना मार दे, कभी इस बात का डर कि कहीं उसकी बात बात पे बेइज्जती तो नहीं हो रही है, कहीं वो फॉर ग्रांटेड तो नहीं ली जा रही है परिवार द्वारा, कभी इस बात का डर कि उसे क्रेडिट मिलेगा भी कभी या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सुना है अपनी माँ के मुंह से कि उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए वो चाहकर भी शादी के बाद क्रेडिट बांट नहीं पाती, इसीलिए वो मौके ढूंढती है कि कहां से क्रेडिट को दबोच ले। हम सभी इस तरीके से जीने लगते हैं कहीं ना कहीं इस डर के माहौल में कि कहीं हमारे किए हुए काम का श्रेय कोई और ना ले जाए, और वहीं शादी से पहले हम इतने प्यार से और इतने ज्यादा सिक्योरिटी से भरे हुए होते हैं कि हमें ये डर कभी भी नहीं सताता। देखोगी तो कहीं ना कहीं यही डर मिलेगा कि अगर कोई इंसान हमारे किए गए कार्य का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिर वो इंसान हमारे सास ससुर हो, चाहे फिर वो हमसे जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता हो, जैसे कितनी बार मैं सुनती हूँ क्वीन से कि डॉक्टर शिवांगी मैं ही तो अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, मैं ही अपने बच्चे के साथ टाइम लगाती हूँ, लेकिन जब उसका अच्छा रिजल्ट आता है, जब वो क्लास में फर्स्ट आता है या किसी भी कॉम्पिटिशन में बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाता है, तो सारा श्रेय मेरी मदर इन लॉ या उसकी बुआ ले जाने की कोशिश करती है कि अरे भाई जब तक हम भाभी आपको टाइम ना देते, या बेटा जब तक हम तुम्हें टाइम ना देते बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्या तुम पढ़ा पाती? अगर मैं कभी ऑफिस में कुछ अच्छा करके दिखाती हूँ तो भी श्रेय मेरी सास ले जाती हैं। अगर मुझे कोई जानना पहचानना शुरू करता है तो भी श्रेय मेरे घर वाले लेके जाते हैं, मेरा पति ले जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे लाइफ की जितनी भी पेचीदा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जितनी भी पेचीदा परेशानियां हैं, वो क्रेडिट की लड़ाई पर ही फोकस्ड रहती हैं, क्योंकि हम लोग डर से भरा हुआ जीवन जीते हैं।
बाहरी तौर पे हमारी इंटेंशन चाहे घर को स्थगित करने की हो, या कहिए कि एक इक्विलिब्रियम लाने की हो घर के अंदर, या फिर शांति मेंटेन करने की हो, हम लोग एक दूसरे से ज्यादातर बोलते सुनाई पड़ते हैं कि मैं तो चाहती हूं घर के अंदर कभी भी लड़ाई ना हो, मेरा तो मन करता है कि घर के अंदर सभी लोग खुश खुश रहें, हमेशा उनके चेहरे लिट अप रहें, एंथुजियास्टिक रहें, लेकिन मेरे हर एफर्ट के बावजूद घर में कुछ कुछ नोक झोंक या कुछ कुछ लड़ाइयां, छोटी मोटी क्वारल्स चलती ही रहती हैं। पता नहीं ये लोग मुझे पॉजिटिविटी के साथ जीने क्यों नहीं देते डॉक्टर शिवांगी। क्योंकि तुम्हारी बाहरी इंटेंशन तुम्हारी अंदरूनी इंटेंशन के साथ मेल नहीं खा रही है मेरी प्यारी क्वीन। तुम्हारी अंदरूनी इंटेंशन इतने सालों द्वारा बनाए गए, तुम्हारे जो तुम्हारे आसपास के लोगों द्वारा बनाया गया तुम्हारे ऊपर एक इम्पैक्ट है, एक तुम्हारे खुद का अनुभव जो नकारात्मकता की खिड़की से या नकारात्मकता के चश्मों से तुमने हमेशा अपने आसपास के लोगों को जजमेंट करने में बिता दिया, उसकी वजह से तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा बवंडर क्रिएट होता है जो तुम्हारी अंदरूनी इंटेंशन को चाह कर भी पॉजिटिविटी या प्यार की तरफ नहीं झुकने देता। क्वींस कहीं ना कहीं लोग भी वही होते हैं और उनके अंदर की जो भाषा हल्की फुल्की चेंज हो सकती है, लेकिन उनके अंदर की इंटेंशंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं हर जगह। हमें चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी इंटेंशन को प्यार के, विश्वास के, शांति के जितना नजदीक हो सके लेकर जाएं। हम अपना जीवन किस मेजर भाव में जीते चले जा रहे हैं वो देखने की जरूरत होती है। क्या हमारा भाव इनसिक्योरिटी, जेलेसी, घृणा, या फिर कहिए फॉर ग्रांटेड ना लेने का डर, हर तरीके के छोटे से लेकर बड़े डरों से भरा हुआ है, या हमारे जीवन का मेजर भाव प्यार, विश्वास और शांति पर टिका है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ वो हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव होगा। जो भी इंसान मुझसे जैसी भी बात कर रहा है उस बात का केवल पॉजिटिव निचोड़ ही मेरे तक पहुंच रहा है। अगर किसी के शब्द मुझे बाहरी तौर पर मेरी जजमेंट उन शब्दों को नकारात्मक तय कर रही है, लेकिन ये शब्द भी मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए, एक प्यार भरा विश्वास जगाने के लिए आए हैं। हर तरीके से हमें अपनी इंटेंशन को क्वेश्चन करना होगा कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है। क्या वो भाव सभी के लिए प्यार, सभी की उन्नति, सभी की ग्रोथ, सभी की एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, या फिर वो भाव मुझे कुछ खुद के लिए करना है, या खुद का ईगो प्रूव करना है कि मैं ये कर सकती हूं, या दूसरे को नीचा दिखाना है और खुद को ऊपर उठाना है, इन भावों पर टिका हुआ है। अगर तो तुम्हारा भाव प्यार पर टिका है तो तुम्हारे पूरी लाइफ में प्यार और शांति लाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर तुम्हारा भाव इनसिक्योरिटी, जेलेसी, घृणा जैसे नेगेटिव भावों पर या डर पर, जिसका पूरा क्रक्स डर है, इस पे टिका हुआ है, तो फिर तुम्हारी लाइफ चाहे तुम कितनी भी बाहरी तौर पर क्रियाएं करो, बाहरी तौर पे कितने भी भाषण सुनो या भाषण दो, या तुम अपनी वार्तालाप के अंदर कितने ही एफर्ट्स दिखाओ, तब भी वो एफर्ट्स कभी भी फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जीवन चलता है हमारी अंदरूनी इंटेंशन के ऊपर। लेकिन हाँ, अंदरूनी इंटेंशन को बाहरी इंटेंशन से बार बार अगर एक ही सिग्नल मिलता रहे कि पॉजिटिव हो जाओ, प्यार को देखो, विश्वास को देखो, शांति स्थापित करने के लिए अपने आप को संयम में करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे हमारी इंटरनल इंटेंशन भी उतनी ही खूबसूरत हो जाती है जितनी की हमारी एक्सटर्नल इंटेंशन। ठीक है, आई लव यू ऑल। 28 अप्रैल को इसी तरह की बहुत सारी खुशनुमा बातें करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं क्वीन इन द मेकिंग की दिल्ली एनसीआर की ग्रैंड वन डे वर्कशॉप के लिए। एंड साथ ही साथ क्वींस, आप लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं। कीप शेयरिंग योर स्टोरीज टू विन और टू विन द ऑनर ऑफ इंस्पायरिंग जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड, जो कि उसी दिन मैं कुछ चुनिंदा क्वींस को देने वाली हूं जिनकी स्टोरीज चाहे तो चाहे न्यूज़पेपर में ना आई हो, चाहे आपको कोई अवार्ड, बड़े अवार्ड ना मिले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने ऊपर किस तरह से काम किया है खुद के जीवन में, प्लस अपने चारों तरफ के
जो समाज है या आपके साथ जो जुड़ी हुई लाइव्स हैं उनके अंदर आप कैसे एक पॉजिटिव बदलाव लेके आई हैं, वो सब आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिए इंस्पायरिंग जिम ऑफ इंडिया ऑनर बनने के लिए। ठीक, आई लव यू ऑल। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाओ। फेसबुक पे हमारा बहुत बड़ी क्वींस फैमिली है, वहां फॉलो करके आप लोग भी क्वींस फैमिली का हिस्सा बन सकती हैं। साथ ही साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं कई बार पर्सनल चैट के लिए आती हूं। और आपके हाथ में पावर है, इस पॉजिटिविटी को फैलाओ जितना हो सके। आई लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, बाय।